दीपवीर की रिसेप्शन पार्टी में शर्मिंदगी का शिकार होने से बची ऐश्वर्या, श्वेता बच्चन ने संभाला। बीते 14 से 15 नवंबर को शादी करने के बाद बॉलीवुड के स्टार कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 4 रिसेप्शन दिए हैं। शनिवार को मुंबई में चौथा रिसेप्शन सबसे भव्य रहा, जिसमें बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची और खूब नाच गाना हुआ। रिसेप्शन पार्टी में बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन भी पहुंची। सभी सितारों की तरह बच्चन परिवार ने भी रिसेप्शन पार्टी में काफी एंजॉय किया, लेकिन पार्टी में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय शर्मिंदगी का शिकार होने से बाल बाल बची। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो रिसेप्शन की पार्टी में ऐश्वर्या राय उस समय शर्मिंदगी का शिकार होने से बची जब वे किसी चीज से ठोकर खाकर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसी समय श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय के हाथ पकड़ लिया, इस वजह से वे गिरने से बच गईं। बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के विवाह समारोह का आखिरी जश्न मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में शनिवार को देर रात तक चला और सुबह होते होते उसे विराम मिला। शादी का यह चौथा और आखिरी रिसेप्शन इस जोड़ी के साथ पूरे बॉलीवुड के लिए यादगार साबित हुआ, क्योंकि इसमें तमाम सेलिब्रिटी पहुंचे थे। इसके अलावा कई नए समीकरण भी इस जश्न में देखने मिले, जो आने वाले दिनों में बॉलीवुड की सुर्खियां बन सकते हैं। रिसेप्शन पार्टी में अपनी उम्र को फिटनेस से मात दे रहे अमिताभ भी डांस फ्लोर पर तब खूब नाचे जब उनकी फिल्म हम का गाना जुमा जुमा दे दे बजने लगा। अमिताभ के डांस के वक्त वहां रेखा भी मौजूद थी और उन्होंने इस डांस का मजा लिया। अमिताभ का नाच देख कर रणवीर सिंह भी डांस फ्लोर पर पहुंच गए। आपको बता दें कि बॉलीवुड के खूबसूरत कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 14 से 15 नवंबर को इन दोनों ने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में इटली के लेक कोमो में शादी रचाई। वहीं जब से इन दोनों ने शादी की तब से फैंस सहित तमाम बॉलीवुड सितारों की बधाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।